एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता लेकर आई हूं, जो हम बनाएंगे उबले हुए आलू से। करीबन 5 से 10 मिनट में आप ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, या फिर आपके घर में छोटी मोटी पार्टी हो या गेट टुगेदर हो तो भी ये नाश्ता बनाएं और इंजॉय कीजिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। और हाँ, बिना वीडियो को स्किप किए आप पूरा देखिए और बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाइए और अपने फैमिली मेंबर को खिलाइए। तो चलिए आज की ये टेस्टी सी रेसिपी हम शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हमारा टेस्टी सा ये नाश्ता है और अंदर से कितना, ऊपर से कितना क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाला टेस्ट है इसका। बिल्कुल सॉफ्ट सा बना है। तो चलिए बनाते हैं हम इसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू को बॉईल कर लिया है। 3 आलू लिया है मीडियम साइज का, और इसे हमने बॉईल करके इसके छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कद्दूकस करके सारे आलू को तैयार कर लिए हैं और अब हम इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो सब्जी में मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसमें शिमला मिर्च, आधा टुकड़ा शिमला मिर्च का लिया है, और साथ ही में हम डालेंगे गाजर, आधा टुकड़ा गाजर का भी हमने लिया है, बारीक कटा हुआ धनिया, हरा धनिया, और 3 से 4 हरी मिर्च हमने डाल दिया है, और यहाँ पे हम गाजर भी डाल देते हैं। गाजर को हमने अच्छी तरह से छील के धो करके और उसे कद्दूकस कर लिया था। आप चाहे तो बारीक टुकड़ों में काट सकते हैं। आप इसमें पीली और लाल शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में इसे मैंने डाला है चावल का आटा, 4 चम्मच के करीब हम चावल का आटा डालेंगे। और अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं बिना चावल के आटे का। मैंने यहाँ पे चावल का आटा डाला है 4 चम्मच के करीब, और साथ ही में हम डाल देंगे लाल मिर्च, तो आधा छोटा चम्मच हमने लाल मिर्च डाला है। और लाल मिर्च के साथ हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला डाल दिया, और अब हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डाल करके आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आप चाहें तो चावल का आटा स्किप कर सकते हैं, बिना चावल के आटे का भी बना सकते हैं, बट जो इसका बाइंडिंग है ना चावल का आटा डालने से बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा, इसके लिए मैंने इसमें चावल का आटा डाला है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए और एक अच्छा सा डो बना करके तैयार कर लीजिए। इसमें हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, जो हमारा मॉइस्चर आलू से है उससे ही ये अच्छे सा बाइंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एक अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया, एक डो बना लिया है। क्या करेंगे कि हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसकी हम छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे, बिल्कुल छोटी छोटी सी। अगर आप चाहें तो इसका कोई भी आकार दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से बॉल बनाकर तैयार किया है, बिल्कुल इस तरह से आपको बॉल बना लेना है। आप चाहें तो इसे कोई सा भी आकार दे सकते हैं, आप टिकिया का शेप भी दे सकते हैं, सिलेंडर शेप दे सकते हैं। मैंने ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। थोड़ा सा तेल लगाइए हाथ में, फिर ये बहुत ही अच्छे से बॉल बन कर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे बॉल बना करके तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लेक्स और इसे हम चूरा बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स, डाला है एक मिक्सर जार में, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे पोहा, करीबन 3 से 4 चम्मच के करीब, या फिर कहिए एक मुट्ठी हमने ले लिया है पोहा, बिल्कुल थोड़ा सा। और इन दोनों को मिक्स करेंगे और हम इसे एक अच्छा सा पाउडर बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें एक इसका पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। और अब हम इसे एक बर्तन में सेपरेट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच के करीब, और इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा घोल बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए अब हम इस बैटर को साइड में करते हैं और सभी सामान को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने बैटर साइड में किया, और जो हमने ये पीस करके रखा है ना पोहा और कॉर्नफ्लेक्स, इसे भी हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे हमारे जो आलू के हमने बॉल्स बनाए थे वो भी एक साइड रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें ये जो हमने बॉल्स बनाए हैं ना आलू के, ये बॉल्स हम डालेंगे बैटर में। तो यहाँ पर हम एक निकाल करके बैटर में डालते हैं और अच्छे तरह से इसको कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोट हो गया हमारा अच्छी तरह से। बॉल्स को हम सीधे बैटर से निकालेंगे और इसे हम बुरादे में डाल देंगे, जो हमने कॉर्नफ्लेक्स का बुरादा बनाया ना इसमें डालेंगे और एक प्लेट में इसे रखते जाएंगे। इसी तरह से आपको सारे बॉल्स को कोट करके रख लेना है, और साइड में हम रखेंगे इस सबको कोट करके, और कढ़ाई को भी हम रख देंगे गर्म होने के लिए। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक इन सारे बॉल्स को हम कोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी कढ़ाई भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, और गैस को हम हाई पर रखेंगे और हमने जो बॉल्स बनाए ना वो सारे इसमें हम ऐड कर देंगे। और करीबन 1 मिनट तक गैस को आपको हाई पर ही रखना है और अच्छी तरह से इसे पकने देना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप गैस का फ्लेम कर दीजिए मीडियम टू स्लो, और धीरे धीरे फिर आप इसे पका लीजिए अच्छा कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक।
अच्छी तरह से आप इसे चला लीजिए। लेकिन आप जब तेल में इसे ऐड करेंगे ना, तो तुरंत आपको इसे नहीं चलाना है, थोड़ी देर वेट करना है, करीबन 1 मिनट तक। उसके बाद आप इसे पलट करके दूसरे साइड से टर्न करके पका सकते हैं। पकने में करीबन 2 से 3 मिनट का समय जाएगा और बहुत ही अच्छा सा ये हमारा पोटैटो बॉल्स बनके तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ पर जैसे ही इसका कलर चेंज होता है, गोल्डन कलर आता है, वैसे ही हम इसे निकाल लेंगे और दूसरा बैच ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये पोटैटो बॉल्स बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी। बनाने में जितना आसान है, खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। बस एक एक करके आप इसे निकाल लीजिए और गर्मा गर्म चटनी या सॉस के साथ इसे सर्व कीजिए। आप इस रेसिपी को शाम में चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी सी हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हुई। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही टेस्टी सी रेसिपी के साथ मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।